जिला कांग्रेस परिवार कोरबा द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय से टीपी नगर चौक तक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत, कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल, रामपुर विधायक श्यामलाल कंवर, चापा विधायक मोतीलाल देवांगन, महापौर रेणु अग्रवाल, उषा तिवारी, सभापति धुरपाल सिंह कंवर और सुरेंद्र जायसवाल समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी जन मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत ने मौजूद दोनों ही सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के भाजपा शासनकाल में महिलाओं के साथ गंभीर अपराध व अनाचार की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। सरकार महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने में असफल साबित हो रही है। महंत जी ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को मुद्दा बनाकर केंद्र में भाजपा ने सत्ता हासिल किया था, परंतु अब तक के इनके कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह बेहद ही चिंतनीय व शर्मनाक है। पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ जो हिंसा के और बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को सरकार का दायित्व बनता है कि रोके, उस पर कार्रवाई करे, मगर उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं विधायक का पुत्र अगर बलात्कार कर रहा है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कहाँ पुलिस वाले अगर बलात्कारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया में, सोशल मीडिया में सब दिखाया जा रहा है कि जिस लड़के ने लड़कियों को बचाने का काम किया उसी को अंदर कर दिया, बल्कि लड़कियों को मारने लगे। इस तरह की पूरी घटनाएं देश में हो रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज कैंडल मार्च किया है, शांति मार्च किया है। हम चाहते हैं कि जो हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। प्रधानमंत्री उपवास किए हैं, जो राहुल गांधी के उपवास को मजाक उड़ा रहे थे, ये हमारी बपौती है कहना चाहिए कि हम गांधी जी के वंशज हैं, हम उपवास करते हैं, उपवास करते रहे हैं, उपवास हमारे बड़े नेताओं ने किया और ये हमारी परंपरा है, उसको वो मजाक कर रहे हैं और दूसरे दिन स्वयं उपवास करने लग जाते हैं। ये माखोल है, ये दिखावा है और ये उनकी नौटंकी है। कोरबा विधायक जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुए घटना में गुनाहगार एवं पीड़िता को हिंदू मुस्लिम की तराजू में सरकार तौल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में आरोपी भाजपा विधायक का बचाव स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं और पीड़ित परिवार न्याय व सुरक्षा के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने रामदयाल उइके पर ननकी राम के बयान को दुखद बताया। जी, जब वहाँ संकल्प शिविर हुआ तो उन्होंने जो बात कही उसमें थोड़ा सा उनकी मिस्टेक रही, उन्होंने उसका खंडन कर दिया है। और उसके बाद ननकी राम कंवर जी गृहमंत्री रहे हैं, वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं और उनके मुंह से इस प्रकार किसी सीनियर विधायक को, वो भी आदिवासी वर्ग का, और उनको इस प्रकार की बात बोलना शोभा नहीं देता। मेरे ख्याल से ननकी राम जी ने अपने मन से नहीं बोला है, वहाँ पर जो उपस्थित लोग थे किसी ने उनसे लगता है गलती से बुलवा दिया है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि ननकी राम जी इस प्रकार की दोबारा पुनरावृत्ति न करें, क्योंकि उनके मुंह से, इतने सीनियर आदमी के मुंह से वो बातें शोभा नहीं देती। रामपुर विधायक श्यामलाल कंवर ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मीना खलखो, मडकम, हिडमे, पेद्दा, गेलूर, सारकेगुड़ा, इलिया मारी, आमागुड़ा, नसबंदी कांड, गर्भाशय कांड में माताएं व बहने काल की गाल में समा गयी। चापा विधायक मोतीलाल देवांगन ने बताया कि महिलाएं और बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान की रक्षा के लिए केंद्र व राज्य सरकार के विफलता के विरोध में आज कैंडल मार्च किया जा रहा है।